नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां गठबंधन में कांग्रेस को मिल सकती है एक और सीट मिलने के संकेत। फूलपुर सीट कांग्रेस को मिलना तय। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दिया संकेत, कांग्रेस ने मझवा और फूलपुर सीट की थी मांग। कांग्रेस ने उपचुनाव में 5 सीटों पर किया था दावा। तो कांग्रेस ने मझवा और फूलपुर सीट की मांग की थी, तो कांग्रेस ने उपचुनाव में 5 सीटों पर किया था दावा। तो गठबंधन में कांग्रेस को मिल सकती है एक और सीट। बता दें कि फूलपुर सीट कांग्रेस को मिलना तय। तो कांग्रेस ने मझवा और फूलपुर सीट की मांग की थी। कांग्रेस ने उपचुनाव में 5 सीटों पर किया था दावा। तो गठबंधन में कांग्रेस को एक और सीट मिलने के संकेत। फूलपुर सीट कांग्रेस को मिलना तय। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यह संकेत दिया है। और लखनऊ से इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता पवन से जुड़ गए हैं। पवन, गठबंधन में कांग्रेस को मिल सकती है एक और सीट जिसका नाम है फूलपुर, क्योंकि जो कांग्रेस है वो फूलपुर सीट की मांग भी की थी और चर्चा ये भी थी कि प्रियंका गांधी ने खुद अखिलेश यादव से इस सीट के लिए बात की थी। पवन, बिल्कुल कविता, देखिए इस मामले में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पहले से 5 सीटों को लेकर के दावा कर रही थी, क्योंकि इसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना था कि चूंकि 2022 में जो 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना था उसमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास पहले से ही थी, वो जीत रखी थी, तो उन 5 सीटों पे कांग्रेस का कोई दावा नहीं बनता है। लेकिन जो अन्य 5 सीटें हैं जो हारी हुई हैं, जो अन्य दूसरे पार्टियों के पास थी, उसमें से हम कांग्रेस को 2 सीट दे रहे थे, लेकिन तीसरी सीट पे उनका मंसौदा बन रहा है, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सहमति जताई है, लेकिन उनका ये मानना है कि अगर हम फूलपुर सीट कांग्रेस को देते हैं तो कांग्रेस संतुष्ट हो तो हम तीसरी सीट दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी 5 सीटों को लेकर के दावा कर रही थी। अभी भी वो फूलपुर और मझौवा सीट के लिए बात कर रही थी। समस्या सबसे बड़ी इस बात की है कि कांग्रेस को भी बहुत सालों बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा लगा है कि उसके पार्टी के जनाधार में कुछ इजाफा हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि पिछले 30 सालों से कांग्रेस यहां उत्तर प्रदेश में सत्ता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा, उसके 1, 2, 4 इससे ज्यादा कोई कभी विधायक नहीं रहे, 1-2 सांसद ही रहे। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जमाने पहले लोकसभा सत्ता हुआ करता था, लेकिन जब से सत्ता हटी है लगातार वो सत्ता के बाहर है, तो चाहते हैं कि हम किसी तरह से सत्ता के करीब आ सके या सत्ता में हमारी भी कुछ हिस्सेदारी बन सके, इसको लेके कांग्रेस लगातार प्रयास करती रही है। क्योंकि यहाँ पर जब से समाजवादी पार्टी, बसपा और अन्य पार्टियों ने अपनी दावेदारी पेश करके यहाँ सरकार बनाया, सरकार मिलजुल के भी बनाया, तो उसके बाद से कांग्रेस बिल्कुल किनारे पे चली गई थी। 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जब से यहाँ पर अपना सरकार बना रखी है, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में काबिज है। अब इस बार 2024 के चुनाव के बाद जब कांग्रेस को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली है, थोड़ा सा उसको जगह मिला है, तो अब ऐसे में वो चाहती है कि हम उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को बढ़ा सकें, इसलिए हर संभव प्रयास और प्रयत्न करने के लिए तैयार है। अभी इस मामले को लेकर के जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अभी ये जो 2 सीट कांग्रेस और मांग रही थी उसको लेके अभी मंसौदा पूरी तरह से तय नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि अब सपा मुखिया अखिलेश यादव फूलपुर सीट कांग्रेस को देने के लिए लगभग लगभग तय माना जा रहा है, उन्होंने मंसौदा बना लिया है, लेकिन उनका एक शर्त है कि इस सीट देने के बाद कांग्रेस संतुष्ट रहे, फिर अन्य किसी मामले पे बात ना उठाए। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि हम महाराष्ट्र में जिस तरह से हमको 12 सीट मिली है तो वहां पर भी इनकी उम्मीदें बढ़ रही हैं, उनका भी मानना है कि हरियाणा की तरह हम पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते और हम एनडी गठबंधन को लगातार बनाए रखना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं से इसे 2027 के लिए चुनना चाहती है कि हम 2027 में किसी भी कीमत पे अपनी सरकार बना सकें। तो राजनीति में हर चीजें संभव मानी जाती है, कब कौन सी स्थिति आएगी जिस तरह से निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन आज की जो मौजूदा स्थिति है, यह जो 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना था उसमें से 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसे 2027 का सेमी फाइनल माना जाता है कि अगर यहाँ पर उपचुनाव में जिस पार्टी का ज्यादा कैंडिडेट जीत कर आएगा
बिल्कुल जनता या वोटर सपोर्टर सभी के मन में एक भाव एक एक, एक खाका तैयार होगा कि 2027 में वह पार्टी आगे जा सकती है। कविता, बिल्कुल जिस तरह से पवन आप बता रहे हैं कि फूलपुर जो सीट है, जो सपा है, कांग्रेस को देखकर कांग्रेस को संतुष्ट करना चाहती, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समझ गए हैं कि गठबंधन जो है वो जरूरी है, उसे बरकरार रखना है आगे भी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि अभी 2024 का जो चुनाव हुआ, सामने उसके नतीजे हैं। अखिलेश यादव इससे पहले 2024 के चुनाव परिणाम आने के ठीक दो महीना तीन महीना पहले ऐसा लग रहा था कि एनडी गठबंधन पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई थी और उत्तर प्रदेश में जब ये स्थितियां थी उस समय, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन सभी पार्टियों को ऐसा उम्मीद नहीं था कि इस तरह से परिणाम आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं लग रहा था कि हमारे इस तरह से परिणाम उत्तर प्रदेश में आएंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर गई और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भी यहाँ पर मजबूती मिली है, उसी कड़ी में अखिलेश यादव यहाँ पर चाहते हैं कि हम 2027 का विधानसभा चुनाव जब लड़े तो हम कांग्रेस के साथ लड़े, लेकिन कांग्रेस बहुत आयत संख्या में ना हो सके, उसको भी हम किसी तरह अपने साथ साधे भी रहे और उनको कम सीटें देनी पड़े। आज की जो मौजूदा स्थिति है, 10 उपचुनाव में अगर उनको हम 5 सीटें देते हैं तो जाहिर सी बात है 2027 के चुनाव में वो पूरी तरह से सामने बात आएगी कि हमको 50% का शेयरदारी दी जाए। उस 50% की शेयरदारी को रोकने के लिए सपा मुखिया ने इस पे पूरी तरह से दाव खेला है और कांग्रेस भी ये चाहती है कि हमारी अगर जरूरत आपको है तो हमारी भी बात आपको माननी पड़ेगी। तो इसी उहापोह की, इसी झंझावात की स्थिति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस लगातार अभी तक अपनी बात रखती थी। आज अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अवनीश पांडे यहाँ दिल्ली में हाईकमान से वार्ता करेंगे और कांग्रेस की जो सीटें हैं उस पर चर्चा होगी, और अगर सपा मुखिया से वार्ता फाइनल हो जाती है तो फूलपुर सीट कांग्रेस को मिलना लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल पवन, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं और आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सपा प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वे दूर तक की सोच रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो गठबंधन में कांग्रेस को एक और सीट मिलने के संकेत, फूलपुर सीट कांग्रेस को मिलना तय।